हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आपके समक्ष। डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता। उसके बाद भी जारी रहेगा क्योंकि तैयारी 4 आने वाला है। तैयारी 4 का एग्जाम अगस्त में होगा, पहले से अनाउंस्ड हो गया है। एंड एमपी टेट जो भी पास हैं उसका भी मेन एग्जाम अगस्त में होगा। तो आप ये सोच के चलिए कि मुझे अपना पूर्ण रूप से 100% देना है। परिणाम जो भी होगा उसे देखा जाएगा, बट पहले आप कर्म कीजिए। तो दोस्तों, जो भी मैंने तैयारी 2 के लिए प्रैक्टिस कराया हुआ है 79 वीडियोज का, उसे आप बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और जो मैं डेली बेसिस पे करा रही हूँ, जितना मेरे से हो सकेगा परीक्षा तक मैं डेली बेसिस पे जरूर कराऊंगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है, अब पूछा भी था। ओलंपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य होता है। तो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय कौन है? तो कौन है दोस्तों, आपने सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है IOA, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में सर दुरावजी टाटा के द्वारा किया गया। और IOA के प्रथम अध्यक्ष भी बने सर दुरावजी टाटा। इसको पूछा गया था दोस्तों, और IOA को स्थापना करने में मुख्य अहम भूमिका था सर दुरावजी टाटा का। और IOA का वर्तमान अध्यक्ष PT उषा है। नेक्स्ट है, किस नगर या राज्य ने शिक्षा के द्वारा योद्धाओं के प्रशिक्षण पर बल दिया? तो योद्धाओं के प्रशिक्षण पर बल, यानी कि अच्छा सैनिक तैयार करना, योद्धा तैयार करना, स्पार्टा का भी मेन उद्देश्य था और एथेंस का भी, लेकिन शिक्षा के द्वारा योद्धाओं के प्रशिक्षण पर बल दिया था एथेंस ने। नेक्स्ट है, स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित को पैदा करना था? तो योद्धाओं को पैदा करना था। नेक्स्ट है, उस स्टेडियम का क्या नाम है जहां प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए? तो आप सबको पता है कि 1896 ईस्वी में एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किया गया था बैरन पेरेडी कुबर्टिन के द्वारा। नेक्स्ट है, IOA का गठन कब हुआ? IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ 1927 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेल के उद्घाटन की घोषणा देश का मेजबान देश का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष करता है, जबकि उसकी समाप्ति, ओलंपिक खेल की समाप्ति की घोषणा प्रेसिडेंट ऑफ IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। एंड दोस्तों, जो मशाल होता है वह ओलंपिक खेलों की मशाल जलाना जो है ओलंपिक खेलों के शुरुआत का प्रतीक होता है, और ओलंपिक खेलों की समाप्ति का प्रतीक होता है मशाल को बुझा देना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? तो जितने भी देश दावा करते हैं उस देश में से किसी एक देश के किसी एक शहर को ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा नगर को। नेक्स्ट है, दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक आयोजन सर्वाधिक लंबा था? तो 1908 लंदन ओलंपिक सर्वाधिक लंबा था, और इसी के बाद से ओलंपिक खेलों की जो दिन हो गया 16 दिन की होने लगा। एंड नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में कौन से इवेंट्स पेंटाथलान में शामिल थे? तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में
पेंटाथलान में कौन कौन से इवेंट्स शामिल थे? तो इसमें धावन, कूद, चक्का फेंकना, तैराकी, दंगल और रथ दौड़ शामिल था। जबकि आधुनिक पेंटाथलान में इसका अर्थ लगाया गया है, पेंटा मतलब पांच और थलान मतलब पत्तियां, यानी पांच पत्तियां पेंटाथलान का अर्थ होता है मॉडर्न पेंटाथलान में। और जो आधुनिक पेंटाथलान है इसमें पांच इवेंट्स होते हैं, जिसमें तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स जंपिंग, निशानेबाजी एंड क्रॉस कंट्री शामिल हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलान का सुझाव किसने दिया? तो ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलान का सुझाव दिया बैरन पियर डी कुबर्टिन, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रतिपादक बैरन पियर डी कुबर्टिन किस देश के वासी थे? तो ये फ्रांस के वासी थे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा? तो उसका नाम था जयपाल सिंह। जैसा कि भारत ने ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें हॉकी के कप्तान ने जयपाल सिंह जो है वह थे, जिन्होंने ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा। और भारत ने हॉकी में अभी तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीता हुआ है, यानी कुल 12 पदक हॉकी में अभी तक जीता है, जिसमें से 1928 से लेकर 1980 तक लगातार स्वर्ण पदक जीता, जिसमें से 1960 में रजत पदक और 1968, 1972 और 2020 टोक्यो में कांस्य पदक जीता है। यानी कि भारत ने ओलंपिक में अभी तक में हॉकी में 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीता है। और अगर यदि ये क्वेश्चन पूछेगा कि अभी तक भारत ने कितने स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीते हैं, तो 9 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी में, 1 स्वर्ण पदक जीते हैं निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा 2008 लंदन ओलंपिक में, एंड आप सबको पता है 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। तो कुल 9 स्वर्ण पदक ओलंपिक में अभी तक भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस साल बजाया गया? तो 1948 लंदन ओलंपिक में भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में सबसे पहले बजाया गया। नेक्स्ट है, मेसोमोर्फिक यानी मध्यम गठित शरीर की विशेषता क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब बार बार आता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये शारीरिक आकार, ढांचा और बॉडी कंपोजिशन के आधार पर सेल्डन ने बॉडी टाइप्स को 3 भागों में डिवाइड किया है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। एंडोमोर्फिक को बिस्रोटोनिक, दोस्तों मैं इसका जो साइंटिफिक नाम है उसका भी मैं बता रही हूँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। एंडोमोर्फिक को बिस्रोटोनिक या अंतरंग प्रधान भी कहते हैं, एंड मेसोमोर्फिक को सोमैटोटोनिक, काय प्रधान भी कहते हैं, एंड एक्टोमोर्फिक को सेरेब्रोटोनिक यानी कि प्रमस्तिष्क प्रधान कहते हैं। जो एंडोमोर्फिक होता है इसमें शरीर मोटा व कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम तलब, विनोद प्रिय, मिलनसार होता है। और यह जो एंडोमोर्फिक होता है यह पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, यानी कि उन खेलों में ज़्यादा ये अच्छे होते हैं जिसमें ताकत की, शक्ति की जरूरत होती है। जबकि एजिलिटी, स्पीड जैसे खेलों में, एरोबिक क्षमता वाले की आवश्यकता वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। एंड जो दूसरा होता है पेशी प्रधान संरचना, मेसोमोर्फिक,
जिसे सोमेटोटोनिक भी कहते हैं, काय प्रधान एक क्वेश्चन पूछा भी था बीपीएससी टीआई 2 में। तो जो मेसोमॉर्फिक होता है इसमें सभी कुछ गुड होता है, जैसे कि अस्थि पंजर और पेशियां विकसित होती हैं, यानी पेशी प्रधान, जहां पेशी प्रधान की बात हो, मजबूत शब्द की बात हो, वहां मेसोमॉर्फिक होगा। स्वास्थ्य अच्छा, वदन फुर्तीला होता है, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकार पूर्व प्रवृत्ति, कठिनाई में अधिक सक्रिय होता है, यहाँ पे ताकत, चपलता और चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा होता है। तीसरा जो होता है एक्टोमोर्फिक, जिसे लंबकाय बॉडी कहते हैं, अस्थि प्रधान संरचना होती है। तो यहाँ पे एक्टोमोर्फिक को सेरेब्रोट्रोनिक भी कहा जाता है, जिसे प्रमस्तिष्क प्रधान कहा जाता है। एक्टोमोर्फिक में लंबा, दुबला, कमजोर, सुंदर शरीर होता है और यह एकांतप्रिय, असामाजिक और अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं। जो एक्टोमॉर्फिक प्रकार का बॉडी होता है वह सहनशीलता यानी एंड्योरेंस वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में वर्चस्व बनाए रखते हैं, अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। तो मेसोमॉर्फिक यानी मध्यम गठित माप विशेषता क्या है, तो मेसोमॉर्फिक पेशी प्रधान संरचना, एक्टोमॉर्फिक अस्थि प्रधान संरचना और एंडोमॉर्फिक स्थूलता प्रधान यानी मोटापा जैसे संरचना होता है। तो मेसोमॉर्फिक यानी कि पेशी प्रधान संरचना, यानी कि यहाँ पे ताकत और मांसलता, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट है क्रिस्काय आकार है। तो दोस्तों क्रिस्काय यानी कि एक्टोमॉर्फिक की बात कर रहा है यह, ठीक है, यानी कि अस्थि प्रधान संरचना, दुबला पतला शरीर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित उत्तक, याद रखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, वसा रहित, वसा युक्त पूछेगा तब तो एंडोमॉर्फिक हो जाएगा। मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित उत्तक, यहाँ क्रिस्काय एंडोमॉर्फिक राइट हो जाएगा, वसा युक्त उत्तक हो जाएगा तो एंडोमॉर्फिक हो जाएगा। कुल काया भार तो मेसोमॉर्फिक। नेक्स्ट दोस्तों एंडोमॉर्फिक यानी गोल मटोल मांसस व्यक्ति की पहचान क्या है, तो यह थुलथुला और मोटा होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिता पहली बार एस्ट्रोटर्फ यानी कि बनावटी सतह जो घास जैसी दिखलाई पड़ती है कृत्रिम ग्राउंड पर कहां आयोजित की गई थी, यह मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक 1976 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है ओलंपिक आदर्श वाक यानी जो मोटो है सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस में आरटीएस का क्या अर्थ है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो एक चौथा नया आदर्श वाक जुड़ा हुआ है कम्युनिटर, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी टीआई 2 में। तो अब आपका जो आदर्श वाक्य है सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, कम्युनिटर, ये चार हो गए हैं। सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। तो सीटीएस का अर्थ हुआ फास्टर यानी और तेज, अधिक तेज दौड़ना। आरटीएस का अर्थ हुआ हायर यानी कि और ऊंचा, अधिक ऊंचा कूदना। फोर्टीएस का अर्थ हुआ और बलशाली यानी स्ट्रॉन्गर यानी अधिक मजबूत होना। एंड कम्युनिटर का अर्थ हुआ टुगेदर यानी कि एक साथ चलना। तो दोस्तों यहाँ पे सीटीएस, आरडीएस, फोर्टीएस में आरडीएस का अर्थ हो जाएगा फास्टर, हायर, हायर यानी कि उच्चतर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट है ओलंपिक की आदर्श वाक्य सीटीएस, आरडीएस, फोर्टीएस यानी तेज दौड़ना, ऊंचा उठना और शक्ति का भरपूर प्रयास करना का इजाद किसने दिया था, तो इसको हेनरी डिरान ने बनाया था, इसकी रचना किया था 1881 में फ्रांस के शिक्षाविद, और ये बैरन पेरी कुवर्डिंग के मित्र भी थे। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक में प्रतिभागी कौन कौन होते हैं। तो विशेष ओलंपिक भी पूछा था कि विशेष ओलंपिक प्रथम बार कहाँ आयोजित किया गया था, यह पूछ लिया था दोस्तों, जैसा कि आपके ऑप्शन में था नहीं
अमेरिका तो दिया था लेकिन न्यूयॉर्क दे दिया था, जबकि विशेष ओलंपिक, प्रथम विशेष ओलंपिक 1968 शिकागो में संपन्न हुआ था। तो ये सभी चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सही पूछा था बट लास्ट में दो ऑप्शन दिया है, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, उसमें आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिक्स याद रहेगा तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ऑप्शन में जैसे कि दिया था कि विशेष ओलंपिक प्रथम बार कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप सबको अगर पता है कि यह 1968 शिकागो अमेरिका में आयोजित किया गया था, तो वहाँ पे शिकागो ऑप्शन न दे करके न्यूयॉर्क दे दिया था और कुछ शहर दे दिया गया था, तो आपको फिक्स पता रहेगा कि हाँ शिकागो में ही हुआ था, तभी तो आंसर आप सही टिक लगाएंगे। जबकि ऑप्शन में शिकागो वहाँ दिया ही नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पे पूछा है विशेष ओलंपिक के प्रतिभाग कौन कौन होते हैं। सबसे पहले जानिए कि विशेष ओलंपिक सबसे पहले 1968 शिकागो में संपन्न किया गया और ये प्रारंभ किया था इसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बहन यूनियस कैनेडी श्राइवर ने। और विशेष ओलंपिक जो है बौद्धिक रूप से असमर्थ एथलीट्स यानी प्रतिभागियों के लिए संपन्न किया जाता है। ये आपके सरस्वती प्रकाशन क्लास 12th में दिया हुआ है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो विशेष ओलंपिक होता है वो बौद्धिक रूप से असमर्थ प्रतिभागी के लिए होता है। जबकि आप अन्य जगह इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकार देता है, जबकि अकॉर्डिंग टू NCERT एंड सरस्वती प्रकाशन में दिया है कि विशेष ओलंपिक में मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं अकॉर्डिंग टू सरस्वती प्रकाशन के आधार पर बता रही हूँ इसका आंसर, जबकि आपके श्याम नारायण में और अन्य बुक में दोनों सही दिया है। तो अगर क्लास 11 12th को फॉलो करेगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जबकि जो पैरालंपिक होता है उसमें शारीरिक और बौद्धिक असमर्थता वाले बच्चे शामिल होते हैं। यानी कि पैरालंपिक में वैसे खेल जिसमें गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉल्सी जैसी विभिन्न विकलांगता वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजित होते हैं वो पैरालंपिक में होते हैं, जबकि विशेष ओलंपिक में बौद्धिक रूप से असमर्थ एथलीट्स के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर दोस्तों ढूंढने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है तो उस समय आप फंस जाएंगे। तो 11th 12th के आधार पर मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक में विभिन्न इवेंट्स में जेसी इवेंट्स द्वारा 4 पदकों की जीत की बराबरी किसने की थी। तो दोस्तों ओलंपिक में जेसी इवेंट्स ने 1984 लॉस एंजल्स में 4 स्वर्ण पदक जीता था, 100-200 मीटर दौड़ लंबी कूद व 4x100 मीटर रिले में, और इन्हीं की जो बराबरी था जो जेसी इवेंट्स थे ये 1936 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे 100-200 मीटर दौड़ लंबी कूद व 4x100 मीटर रिले में। 1936 में जेसी इवेंट्स जीते थे और इन्हीं की बराबरी 1984 लॉस एंजल्स में कार्ल लुईस ने किया था। तो यहाँ पे कार्ल लुईस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अटलांटा ओलंपिक ने क्या चिन्हित किया। तो दोस्तों अटलांटा ओलंपिक अमेरिका में 1996 में हुआ था। तो जैसे कि 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक संपन्न हुआ था और फिर 1996 में अटलांटा में अमेरिका में संपन्न हुआ, यानी कि आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हुए 100 वर्ष हो गया था। तो ये अटलांटा ओलंपिक क्या चिन्हित किया, तो अटलांटा ओलंपिक 1996 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शतवार्षिकी को चिन्हित करता है।
नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह कथन किसमें शामिल है? यह कथन है यूनेस्को के घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रीक खेलों में धावन और डॉजिंग यानी चकमा देने का खेल किसमें शामिल है? तो ग्रीक खेलों में धावन और डॉजिंग चकमा देने का खेल शामिल है। ट्राइगन में, किसमें शामिल है? ट्राइगन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्रेस्मर का वर्गीकरण काया वर्गीकरण यानी कि बॉडी वर्गीकरण है? तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेसोमोर्फ यानी मध्यम गठित शरीर वाला व्यक्ति, एक्टोमोर्फ क्रिस्काय बॉडी यानी अस्थि प्रधान दुबला पतला शरीर, एंडोमोर्फ गोलमटोल मांसल व्यक्ति, इन तीनों को बांटा था सेल्डन ने। यहाँ पे पूछा क्या है क्रेस्मर का, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो क्रेस्मर ने चार बॉडी टाइप बांटा था, पिकनिक यानी गोलकाय, एथलेटिक यानी सुडोलकाय, ऑस्थेनिक यानी लंबकाय एंड चौथा बांटा था इन्होंने डायस्प्लास्टिक। जो सेल्डन का एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक एक्टोमोर्फिक विशेषता है वही क्रेस्मर का पिकनिक एथलेटिक ऑस्थेनिक का विशेषता है, याद रखिएगा। मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड चौथा इन्होंने क्रेस्मर ने बांटा था डायस्प्लास्टिक जिसमें उपरोक्त तीनों का मिश्रण यानी कि बेलोचदार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप यानी कि बॉडी जो टाइप बांटा गया है तो वो उन्होंने तीन भागों में बांटा है, एंडोमोर्फिक यानी गोलकाय बॉडी, मेसोमोर्फिक सुडोलकाय बॉडी, एक्टोमोर्फिक लंबकाय बॉडी। तो इनमें से सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जर्मनी में टर्मिनियन आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो फ्रेडरिक लुडविग जान ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो दोस्तों विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा देना ए संबंधित है, स्वास्थ्य विज्ञान ये भी संबंधित है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव ये भी संबंधित है, बट बीमारियों का इलाज तो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में होगा जहाँ चिकित्सक होंगे, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया था? तो आप सबको पता है प्राचीन ग्रीस ने, यूनान ने। नेक्स्ट है कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है? तो वह है प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तब समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। तो प्रत्येक देश में यानी कि ओलंपिक खेलों को हर एक देश में संचालित आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कौन कर रहा है? तो इसको नेतृत्व प्रदान कर रहा है प्रत्येक देश में नेतृत्व प्रदान कर रहा है NOC। कौन कर रहा है दोस्तों? NOC यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी। जैसे कि भारत की नेशनल ओलंपिक कमेटी कौन है? IOA है। कौन है? IOA है यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो प्रत्येक देश में इसी प्रकार के नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है जो अपने देश में प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कह क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। नेक्स्ट, ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा जो है वह बैरन पीएडी कुवर्टिन ने तैयार किया था। दोस्तों जैसे कि ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक ध्वज को माना जाता है और जिसको बनाया था 1913 में बैरन पीएडी कुवर्टिन ने और सर्वप्रथम फहराया गया था 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। नेक्स्ट, ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों ओलंपिक मशाल की अवधारणा पीएडी कुवर्टिन ने ही दिया था बट यहाँ पे दिया है थियोडोर लिवाल्ड ने। नेक्स्ट है किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ था? तो वह था बर्लिन 1936 ओलंपिक। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए
जय।